उमरिया जिले के बांधवगढ़ सड़क मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक निजी खेत पर बिना अनुमति के एक विशाल पेड़ को काटने का कार्य किया जा रहा था और वहां से गुजर रहे बाइक सवार दंपत्ति पर यह पेड़ गिर गया, जिससे घटना स्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई और पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बांधवगढ़ मार्ग पर एक बड़े सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि एक निजी जमीन में बिना अनुमति के एक बड़े पेड़ को काटा जा रहा था। इस दौरान किसी भी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया। सड़क में लगातार वाहनों का आना जाना चालू रहा, तभी पेड़ वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार के ऊपर गिर गया, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक युवक की पहचान पूरन लाल रोतेला के रूप में हुई। घटना के संबंध में जो खत्म हुए हैं, मेरे बड़े भाई साहब के साले हैं और ये नौरोजाबाद की मुंडी खोली के थे, रहते चप्पा कालरी में है, चप्पा कालरी में ड्यूटी भी है इनकी। ये ससुराल जा रहे थे चिल्हारी जा रहे थे, रास्ते में है। मतलब क्या घटना बैठी है? ये पेड़ कोई काट रहा था, वो तो भाग गए नहीं मालूम, और पेड़ उनके ऊपर गिरा है। तो ये लोग पति पत्नी जा रहे थे, तो पत्नी को ज़्यादा चोट लगी, तो जैसे एम्बुलेंस आई है हम लोग उनको वहाँ एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवा दिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।